हाय गाइस, मैं आप सबका सुपर सिंह और आज का वर्कआउट बहुत ही मज़ेदार है। जो भी हाउसवाइफ है या ओवरवेट है, इतनी वर्कआउट नहीं कर सकते, इतने रैप नहीं कर सकते, तो बहुत इजी बता रहा हूँ वर्कआउट जो आप लोग घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। बट इतना है, मैं लोगों की तरह ये नहीं बोलूँगा कि बैठे बैठे भी आप लोग 10 या 20 रैप के पीपी सेट करो। फिर भी अगर आपने ऐसा करना है तो नहीं रिजल्ट मिलेगा आप सबको। 100 रैप करेंगे हम लोग, मोर देन 100 भी करेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, आपको स्क्रीन भी अच्छी है या बैठ तो है ही राइट, तो हमने ऐसे बैठ जाए, तो ये पोजीशन, ये पैर भी ऐसे रख लेना, क्रॉस लेग और हाथ को हमने फिर बैठो, मजे करो। सिर्फ इतना है कि हमने रैप ज़्यादा करना है। ओके, 100 रैप कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है कि 100 रैप मेरे बहुत इजीली हो चुके हैं तो आप लोग 200 रैप कर दो। ओके, तो इसी तरह 100 रैप ई साइड, सांस खुलेगी उसको थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो। अभी यहाँ से लेके यहाँ पे हम रखें 1 2 3 4 5। तो हमने इसको एंगेज करके रखना है, ये कार्डियो वर्कआउट है। तो अभी यही वर्कआउट हमने घूम तो सकते हैं। ओके, तो पैर लो तो यहाँ पे आ जाओ। ये काफ़ी इसका चौड़ाई ज़्यादा है, तो मुझे भी आपसे भी ना हो पाएगा। तो आप ऐसा करना कि कोई स्टूल या कोई कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो मतलब इस चौड़ाई में छोटी हो, तो आप लेके तो इसके भी 100। अगर आपको लग रहा है कि 100 रैप बहुत इजीली हो रहा है मेरे से, तो आप इसको 200 कर दो, समझे। तो रैप पे चीटिंग मत करना, अपने आप से चीटिंग मत करना। जितने आपको लगे कि हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं रैप, तो ये नहीं कि मैंने 100 बोला तो 100 इजीली हो गए तो अपने 100 पे ही रुक जाना। ये 3 वर्कआउट बताई मैंने, अभी और भी करेंगे। ये स्पॉट पोजिशन है हमारी, लेके के 100 रैप में भी आपके नाम हो, क्योंकि ओवरवेट है, ओवरवेट से यहाँ से उठना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो आपने क्या करना, सामने में कोई बॉल है तो यहाँ कोई पोल है, पोल में कपड़ा बांध रहे हो, कपड़ा पकड़ के हमें उठना है। वहाँ तो वो पकड़ उठोगा तो थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा बस, फिर और क्या है। तो फिर 100 रैप्स। ओके, आप तो देखो कि 100 रैप्स के नीचे ये बात ही नहीं करता भाई। जब अगर आपको रिजल्ट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा चैनल ग्रोथ हो, इसमें सब लोग बोले वाह यार 20-20 रैप के 2 सेट करेंगे तो इसमें मेरा हमारा वेट लॉस होगा, वाह सब लोग आके देखेंगे, ऐसा नहीं चाहिए भाई। मुझे देखो चाहे ना देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना है कि अगर 100 रैप करोगे आप लोग तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये वर्कआउट बहुत बढ़िया है। ओके, तो हमने पूरा हमने इसी को ही टारगेट रखा हुआ है। बैठे बैठे अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मूवी देखो, टीवी देखो, जो करना करो बैठे बैठे और इजीली आप लोग करो, बस इतना है कि रैप ज़्यादा करो। अभी इस पे अभी ओवरवेट से नहीं होगा, तो आपके घर में चेयर है राइट, तो चेयर हम लोग सपोर्ट ले सकते फीट की, तो आप सपोर्ट ले लो तो आपसे थोड़ा इजीली हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बैलेंस बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे पता चल रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनसे ये वर्कआउट नहीं होती है। ओके, तो आप सपोर्ट ले लो, बॉल का सपोर्ट ले लो, चेयर पे बैठ जाओ जहाँ आपको सपोर्ट मिल जाए। तो अगर ये वर्कआउट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो भाई इसके इससे इजी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अभी फिर तो खाओ पियो ऐश करो मजे लो, और यहाँ पे लेके बहुत बड़ा रोल रहता है कि हमने इन आउट करते रहते हैं। जब हमने वेट उठाना, जैसे अभी मैं पैर में इन तब लेना जब हमने वर्कआउट करनी है, तो छोटा कभी जब हमने रिलैक्स होना, पैर को इन लो, इस
पे भी अगर आप बहुत से सपोर्ट ले लोगे तो बेस्ट पे नहीं लिया तो देखो हाथ का सपोर्ट तो मैंने लिया ही हुआ। पैर पूरा लो घूमो स्ट्रेट, पूरा कोल्ड करो घूमो स्ट्रेट कोल्ड स्ट्रेट। तो यहाँ पे अभी ये आज का जो वर्कआउट है हमने पूरा टारगेट यहीं पे रखा हुआ है, तो साइड वैली हो गया पूरा, हमने कोर मसल्स को एंगेज किया है। तो मज़ा आपको तब आएगा जब आप लोग 100 मोर देन 100 रैप करोगे तो मज़ा आएगा। तो आई थिंक जो ओवर वेट है उनके लिए ये वर्कआउट बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके तो भी हमने करना है ये वाला, इतने इतने ज़्यादा रैप करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, अगर 10-20 रैप करोगे तो नहीं होगा। और इसमें और है ये, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने 100 रैप बोले तो आपने 100 करना ही, मतलब 100 नहीं होगा तो मतलब आप किसी काम के नहीं हो, ऐसा नहीं है भाई। 100 रैप बोले कि मेरे से नहीं 100 हो रहे, मैंने 20 किए, ओके 20 किए, 5 सेकेंड रैप, 10 सेकेंड रैप, फिर स्टार्ट, फिर मैं 20 कर दूँगा, फिर 10 सेकेंड रेस्ट, फिर मैं 10 ही होंगे मेरे लिए, इसको फिर 10 ही करूँगा, 50 होगा, ऐसे कर करके रेस्ट कम लेनी है। ओके तो आपने 100 कम्प्लीट कर देना, ऐसा नहीं कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको रेस्ट ले रहे हो, रेस्ट जितना कम लोगे इतना बेस्ट है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका वेट ऑलरेडी लॉस हो रहा है हर दिन में, तो मतलब आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो आप पीछे नहीं हट रहे हैं। ओके चलते जाओ, फिर यहाँ से बैठने वाली एक्सरसाइज से उठ के हमने खड़े होके वाली एक्सरसाइज करनी है, फिर भागने वाली, फिर वेट वाली, मतलब फिर तो आप रुकने नहीं वाले हो अगर इतनी आप लोग करने लगे तो। फिर स्टॉप वाला साइन है ना, आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, आप लाइफ में और मोटिवेट होगे, आप औरों को भी मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ भाई देख मैंने यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो आज मेरा लेवल कहाँ पे, यहाँ से मैंने मतलब इतना फैट था मेरा 100 kg, मोर देन 100 kg, तो आज मेरा वेट देखो कितना, मैं फिट हूँ, मैं अपने आप को आईने में देख के या कोई कपड़ा पहन के मैं ये नहीं बोल सकता यार मैं अनफिट हूँ, राइट। फिट मतलब वो ही नहीं है कि सिर्फ मैं 6 abs ही हूँ, फिट वो है कि आप लोग डेली रूटीन में इतना थक नहीं रहे हो, आप हेल्दी हो, हेल्दी खा रहे हो, हेल्दी वर्कआउट कर रहे हो, तो मतलब स्टॉप वाला साइन हमने ख़त्म करना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके तो चलिए ऐसी और वर्कआउट के लिए अपने भाई को आप फॉलो करो, तो हम लोग और भी ऐसी वर्कआउट लेके आएंगे आप सबके सामने और हम सब मिलकर ही इंडिया को फिट करना है। अगर हर एक घर में हर आप फिट हो तो समझो इंडिया फिट है। ओके तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ अपने इंस्टाग्राम का आईडी, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों, तो ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। ओके आप सबका सुपर सिंह जय हिंद।